गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपना मेंस का मार्कशीट शेयर करूंगा आपको और दिखाऊंगा कि किसमें मेरा नंबर कम आया थे, जिस कारण से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जो लोग 66वें का मेंस देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि जो गलतियाँ मुझसे हुई उससे आप सीख सकें। ठीक है, तो मैंने 64th और 66th का मेंस दिया था, 65th मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा 64th का मार्कशीट है। मेरे पेपर वन में 136 थे, पेपर टू में 134 और ज्योग्राफी में 169। रिटर्न में 439 नंबर आए हुए थे और इंटरव्यू में 73 मार्क्स था। टोटल मेरे 512 मार्क्स आए हुए थे। कट ऑफ बताया था मैं, कट ऑफ ये बीसी कैटेगरी में 430 किया हुआ था, मेरा 439 आया था, 9 नंबर ज़्यादा था मेन से। और जो फाइनल कट ऑफ था वो 535 गया था, तो मेरा 23 नंबर से इसमें रुका हुआ था। अब बताता हूँ कि इसमें जो मेन जो फैक्टर था ना होने का वो क्या था। तो इसमें जो मेन फैक्टर था वो पेपर वन था। पेपर वन में मेरे से स्टेट्स पूरा गलत हो गया था और मेरे स्टेट्स में मात्र 31 नंबर आया था 72 में। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मिस्टेक रहा मुझसे। हालांकि 64th में स्टेट्स टफ आया हुआ था, लेकिन आप ये जूम नहीं कर सकते कि स्टेट्स आपका टफ आएगा आसान आएगा। आपको हार्ड से हार्ड स्टेट्स पर वर्क करके जाना पड़ेगा, क्योंकि BPSC अब जानबूझ के लेंदी स्टेट्स देता है और चार स्टेट्स में दो स्टेट्स किसको सेलेक्ट करना है वो भी थोड़ा सा वहाँ पर ट्रिकी होता है। अगर आपने गलत स्टेट्स को चूज कर लिया तो फिर उसको ज़्यादा संभावना होती है गलत होने की, तो ये भी मैटर करता है, इसीलिए प्रैक्टिस करके जाइए। तो इसका मैंने RTA से कॉपी मंगवाया हुआ था, मैंने वो कॉपी डाला हुआ, अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, मेरे चैनल पे है वो, आप देख सकते हैं। पेपर वन, पेपर टू और ऑप्शनल तीनों का मैंने डाला हुआ, RTA से कॉपी मंगवाया हुआ, तो उसमें मेरे 31 मार्क्स थे, मैंने वहाँ पर देखा था। तो ये मिस्टेक हुआ था, 31 नंबर थे, इसमें 60 नंबर लगा सकता था, इवन 60 नंबर बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, तो 60 नंबर आता तो ऑब्वियसली इसमें 29 नंबर ज़्यादा होते, 23 शुरू का था तो आराम से हो जाता, तो ये गलती हुई। इसके बाद इंटरव्यू में 73 आया हुआ, तो जैसा मेरा गया था वो साफ ठीक था। हालांकि इंटरव्यू में भी आप 80 प्लस ला सकते हैं, 80-90 लाया सकता है अगर आप तैयारी अच्छे से करके जाते हैं तो, आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो। बाकी आपका 60-70 ये सब एवरेज मार्क्स है, ठीक है, तो एवरेज ही मार्क्स आया था इंटरव्यू में भी, ये मेरे टोटल मार्क्स थे। तो इसमें मेनली ना होने का कारण था स्टेट्स। पेपर टू में बहुतों का नंबर कम आया था, पर मेरा पेपर टू में ठीक नंबर आया हुआ था। हालांकि इसमें भी 150 नंबर तक आया हुआ, लेकिन पेपर टू का मार्किंग का तरीका क्या है BPSC का पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि कभी पेपर टू में किसी का स्कोर ज़्यादा आया था, किसी का कम आया था, तो ये थोड़ा सा अपना वेज है। और पिछले मतलब 64th, 65th, 66th तीनों में देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन है कि पेपर टू में काफ़ी हार्ड मार्किंग हो रही है। जो लोग भी बच्चे मेंस दिए हुए हैं या आपके आसपास जो दिए हुए हैं उनका भी आप मार्कशीट देखिएगा, तो पेपर टू महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, या तो सिलेक्शन लेने में या इंटरव्यू कॉल को बुलवाने में। जिनका 120-130 प्लस आया हुआ तो ऑलमोस्ट उसका इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो ये थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी हमें पेपर टू की, सारा सेशन को छोड़ कर जाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। इसके बाद ये मेरा 66 का मार्कशीट है, इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया हुआ था। इसमें बताता हूँ मेनली कारण क्या था। इसमें मैंने स्टेट्स बनाया था, जो गलती 64th हुआ था इसमें मैंने नहीं किया था, फिर भी जो चार में चूज करने में मुझसे गलती हुई, जिस कारण से मेरा 12 नंबर का स्टेट्स गलती हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो स्टेट्स मेरे इसमें लगभग 58 नंबर के सही थे, 57-58 सही थे, हो सकता है कुछ और कम आया हो, क्योंकि मैंने इसको RTA से कभी मंगवाया, आवेदन किया हुआ है, अभी आया नहीं, आएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे मैंने क्रॉस चेक किया था तो मेरे इसमें 58 के अराउंड नंबर आ रहे थे स्टेट्स में, तो उसमें मेरा 64वें में 36 नंबर था स्टेट्स के कारण, जिससे मैं 31 नंबर स्टेट्स में आया हुआ था, और इसमें लगभग मान चलिए कि 55 ग्राउंड नंबर आएंगे तो 153 नंबर है। तो वही अगर 20 नंबर बढ़ा तो इसमें 20 नंबर बढ़ा आपका, तो आप देख रहे हैं कि स्टेट्स को हल्के में लेना है, 72-72 बनाया का ये 60 नंबर आएगा तो आराम से आपके 70 नंबर आ जाएगा पेपर वन में, ठीक है। और इसमें जो मेरे ना होने के कारण मैंने पेपर टू है, पेपर टू में मेरा काफ़ी कम नंबर आ गया, 108 नंबर आ गया, और 64th मेरा 134 नंबर था, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इंटरव्यू कॉल के ना आने में। और अगर जितना आया था 64th उतना इसमें आया था तो आराम से इंटरव्यू कॉल आया था। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर टू को बिल्कुल हल्के बना लें, लगभग जो भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 50-60 उसको निकाल लें, उसका मॉडल आंसर तैयार कर लें, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, लगभग 450-500 में तैयार कर लें, और किसी सेक्शन को हल्के बना लें, चाहे साइंस एंड टेक हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमी हो, क्योंकि पेपर टू में अब अगर आपको 120-130 प्लस लाना है
तो आपको एवरेज से काफ़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करना होगा, तब जाके आपका 130+ आने वाला है और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो बाकी ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में एवरेज मार्क्स था 150 नंबर था इसमें, और इसमें मेरा 411 टोटल आया हुआ था। तो ये था, तो कुल मिलाकर देखा जाए दोनों का मैंने एनालिसिस करूँ, दोनों का कंक्लूजन बताऊँ, तो दो चीज़ें कि आपको स्टेट्स पर बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना है, 72 में 72 आपको सॉल्व करना है, 72 में 72। बाकी हो सकता है कि 72 में 72 ना भी आए तो आपको 60 नंबर तक किसी तरह से लाना पड़ेगा, तब जाकर पेपर वन में 170+ आपका आएगा। और पेपर टू में सारे सेशन वैसे तैयार कर जाना है, तब जाकर आपका 130 आएगा। और 130+ अगर आप पेपर टू में ला देते हैं और इधर 170 ला देते हैं तो ऑप्शन में अगर आपका एवरेज मार्क्स भी रहेगा 160-170 भी रहेगा तो आपके सिलेक्शन संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू को तो आराम से आएगा, बाकी अगर आपका इंटरव्यू में एवरेज ऊपर नंबर आता है, मान लो 70 या 80 के राउंड नंबर आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो इसलिए मेरा शेयर करने का पर्पज़ बस यही था कि आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करने से या किसी में एक मिस्टेक से आप कैसे आपका इंटरव्यू को रुक सकता है या आपका फाइनेंस लेसर हो सकता है, ये दिखाने का मेरा पर्पज़ था। तो जो लोग इसका सर्टिफिकेट कमेंट दे रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखें, जिनको सर्टिफिकेट देना है वो भी इसको ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में तैयार कर लीजिएगा मेंस को, इसके लिए कम से कम 2 महीना टाइम चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। आपका ऑप्शन पहले से पढ़ा हुआ है, जीएस तैयार है, प्रैक्टिस है, तो आपको कम से कम 2 महीने टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तब जाकर आपका बेहतर नंबर इसमें आ पाएगा। ये चीज़ था। इसके बाद मैंने इसका सारा कॉपी डाला हुआ है, RTI का जो भी कॉपी है, जो सर्टिफिकेट मैंने मंगाया हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 ज्योग्राफी तीनों डाला हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे लिखने में कैसे मार्किंग होती है, एक एक लाइन पढ़ते वो लोग हैं। मैं एक बार बताता हूँ, जैसे मेरा कुछ कुछ स्पेलिंग गलती था, अशुद्धि थी कुछ एक आध वर्ड में, तो उन्होंने घेरा हुआ था ऐसे करके, तो मतलब वो लोग एक एक वर्ड पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पढ़ते नहीं वो लोग हैं। इसके बाद मैं आपको और बता दूँ बात है कि मैंने 66 का भी RTI किया हुआ है, और अभी मेरा 1 महीना हो गया है, अभी कॉपी आया हुआ नहीं है, तो मुझे फर्स्ट अपील करना है। फर्स्ट अपील के बाद इसकी कॉपी आ जाएगी 10-15 दिन के अंदर, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ताकि आप वहाँ पर भी देख पाएँ कि पेपर 2 में कम नंबर आने का कारण क्या है, ठीक है। हालांकि पेपर 2 मेरा 64 जैसा ही गया हुआ था, लेकिन खुद तक कुछ कमियाँ रही होगी वो पे, इसलिए मैंने RTI कॉपी मंगवाया ताकि मैं देख पाऊँ कहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि जब तक अपनी कमियों को आदमी नहीं जानेगा तब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कॉपी मंगवाया हुआ अपना। तो अगर आएगा तो मैं डाल दूँगा आपको। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 50-60, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।